लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें अमेठी भी है और जाहिर है कि दो दिनों का प्रचार अब यहां बचा है और अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार केएल शर्मा के लिए एक बड़ी सभा होनी है जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों शामिल होने जा रहे हैं। किशोरीलाल शर्मा जी, किस तरीके का रुझान आपको नजर आ रहा है? और चूंकि आपके ऐलान के बाद सबसे बड़ा मुद्दा आपके विरोधियों ने यही बनाया कि गांधी परिवार यहां से डर कर भाग गया और आपको बलि का बकरा बना दिया, कहां तक आप कामयाब हुए हैं अपनी पहचान बनाने? देखिए, पहली बात तो गांधी परिवार के डरने की बात है, तो अंग्रेजों से नहीं डरा तो इन लोगों से क्या डरेंगे। बाकी यहाँ पे मेरा 41 साल का रिश्ता है, तो उन्होंने गांधी परिवार ने विश्वास करके मेरे को यहाँ पे भेजा, मैं उनका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। बिल्कुल आखिरी समय में आपके नाम का ऐलान किया गया और आखिरी दिन आपने नामांकन दाखिल किया, लगता है समय पर्याप्त रहा आपके पास कि आप पहुंच पाए वोटरों तक? देखो, वोटर हम लोग इलेक्शन तो लड़ने की तैयारी शुरू से कर रहे हैं, कोई ना कोई तो लड़ना था, तो जो हमारे ये बूथ कमेटियाँ ये हमारी पहले से प्रिपेयर थी जो मेन इलेक्शन इनका होता है। बाकी ये पार्ट था कंपेन का, तो कंपेन के अंदर हमको थोड़ा ज़्यादा दिन मिलते तो और अच्छा होता, लेकिन तब भी सफिशियंट है क्योंकि हमारे ये आज जनता ने अपने कंधे पे इलेक्शन उठा लिया है। कितनी तैयारी है स्मृति ईरानी को हराने की? देखिए, हराने के जिताने का काम तो यहाँ की जनता करती है। ये अभिमान होगा किसी कैंडिडेट के लिए कहना कि ये मतलब जनता के मन में क्या है, 20 को डालेंगे और 4 को। आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ पर? अमेठी का विकास। ठीक है, धन्यवाद। अमेठी का विकास। आखिरी सवाल, चूंकि राहुल गांधी पहली बार इस चुनाव में प्रचार में पहली बार आपके लिए आ रहे हैं, अखिलेश जी भी आ रहे हैं, पूरी ताकत आखिरी वक्त में झोंकी है पार्टी ने, आखिरी दो दिनों की क्या रणनीति रहने वाली? नहीं, अभी दो दिन का हमारा जो मैनेजमेंट का है वो पार्ट हम कर रहे हैं, आज रैली है, कल से हम मैनेजमेंट में लग जाएंगे, बूथ मैनेजमेंट में। अमित शाह भी आ रहे हैं आज आपके लिए, राहुल और अखिलेश आ रहे हैं, उनके लिए अमित शाह आ रहे हैं। हाँ, तो हम तो सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री जी आएंगे। हाँ, तो प्रधानमंत्री नहीं आए, इसका क्या मैसेज है आपके लिए? ये तो उनसे पूछिए। ठीक है, तो केएल शर्मा मंजे हुए नेता है कांग्रेस के, पुराने सहयोगी गांधी परिवार के और गांधी परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर अमेठी और रायबरेली में सालों से काम किया और तब जब अमेठी में उम्मीदवार चुनने की बारी आई, क्योंकि राहुल गांधी अमेठी से रायबरेली इस बार शिफ्ट हो गए, प्रियंका गांधी लड़ नहीं रही, तो केएल शर्मा को कांग्रेस ने उतारा है स्मृति ईरानी के सामने। पिछली बार राहुल गांधी को हराकर स्मृति ईरानी ने चौंका दिया, लेकिन इस बार जो क्या केएल शर्मा स्मृति ईरानी को हराकर चौंकाएंगे, बड़ा सवाल है। और जाहिर है ये प्रतिष्ठा की सीट है गांधी परिवार के लिए, बेशक गांधी परिवार के सदस्य नहीं लड़ रहे, केएल शर्मा को आत्मविश्वास है इस सीट पर एक बार फिर से कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज़, अमेठी।